वेलकम अगेन। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ द सेल्स। तो अब हम यहाँ बात करने वाले टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। मैंने पिछले भी थोड़ा बहुत आपको बता दिया था, मैं एक वीडियो इसके ऊपर बताऊंगा टाइप ऑफ सेल के बारे में, पिछली वीडियो में मैंने कहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ टाइप ऑफ सेल के बारे में। वैसे तो मुझे पता है कि पूरा चैप्टर मुझे आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाना है, तो इसीलिए अब हम बात करते हैं आगे टाइप ऑफ सेल की। तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संगठन के आधार पर। सेल्स आर मेनली ऑफ द टू टाइप। सेल जो होती है मुख्य दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? सेल्स आर मेनली ऑफ द टू टाइप। तो आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संगठन के आधार पर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संगठन के आधार पर। सेल्स आर मेनली ऑफ द टू टाइप, मेनली MAINLY, मेनली ऑफ द टू टाइप, दो प्रकार की होती है, PBS। तो सबसे पहले होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और एंड होती है आपकी दूसरी यूकैरियोटिक सेल। तो दो तरह की सेलें हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। हमारे शरीर के अंदर क्या, हमारे इस दुनिया के अंदर जीव जंतु वो दो तरह की सेलों से मिलकर के बने हुए हैं। तो वो है आपको प्रोकैरियोटिक और आपका है यूकैरियोटिक सेल। तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। अभी सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, द सेल इन विच, सेल इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जिसके अंदर क्या होता है कि सही मायने में जो न्यूक्लियस होता है वो होता ही नहीं। ट्रू न्यूक्लियस जो होता है, वास्तविक जो न्यूक्लियस होता है, इज एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट, ABSENT होगा, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, सही कर देते हैं, ABSENT। तो एब्सेंट होती है कौन सी, मतलब सेल में क्या एब्सेंट होता है बेटा आपका, इसमें द सेल इन विच द ट्रू न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है, एंड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, और मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन से संबंधित जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गेनेल्स का मतलब है सेल के अंग, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ये उपस्थित नहीं होते। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, मतलब उपस्थित नहीं होते। आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। या फिर हम प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो मतलब होता है मौलिक, मौलिक का मतलब जो मुख्य जो आपका जो न्यूक्लियस है वो, कैरोइन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ये आपका उपस्थित नहीं होता, इसलिए इसका नाम प्रोकैरियोटिक सेल दिया है। प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, दरअसल इनको क्या है ना कि बैक्टीरिया के द्वारा बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल भी हमने आपको दिखाए हैं। तो एक तो है आपका माइकोप्लाज्म, ऐसे एक बैक्टीरिया है आपका माइकोप्लाज्म। दूसरा है आपका शिनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, सच है, जैसे तुम्हारा नॉफ्टॉक, या फिर आपका एक एग्जांपल और मैंने दिया है जिसका नाम है ऑसिलेटोरिया, एंड स्पायरुलिना। ये आपके एग्जांपल है किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोटिक सेल को इनके रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को याद करना है। तो सबसे जरूरी बात इसमें है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको याद करना है, जो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अभी यूकैरियोटिक सेल की। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से फीचर्स हैं? सबसे पहले आता है एब्सेंस ऑफ द ट्रू न्यूक्लियस। दरअसल क्या होता है कि जो सेल होती है उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस ना होने की वजह से इन सेलों का नाम दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब हमने पहले बता दिया प्रिमिटिव, और यहाँ पर मतलब है न्यूक्लियस। तो ये जो नाम दिया गया है इस बात को देख करके दिया गया है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसको प्रधानता देते हुए कि न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसका नाम रख दिया गया प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनके अंदर एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके अंदर नहीं पाई जाती। देयरफॉर देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इनटू साइटोप्लाज्म। तो दरअसल क्या होता है कि यहाँ कोई भी अंदर इनके जो है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंशिएशन नहीं होता है।
द जेनेटिक मटेरियल। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अंतर, क्योंकि जब ये मेम्ब्रेन जो अलग करती इनको वो है ही नहीं, तो फिर आपका जो आपका साइटोप्लाज्म है और जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें अंतर नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल जो होता है आपका डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल है आपका डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्म, वो आपका साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और भी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं, और भी अलग तरह के ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है सेल के अंदर पाए जाने वाले अंग। तो सेल के अंदर पाए जाने वाले अंग जो हैं आपके राइबोसोम्स हैं, मिटोकॉन्ड्रिया हैं, और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो अदर जो मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जो बंद रहते हैं ऑर्गेनेल्स हैं सच्चे, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है आपका, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड मिटोकॉन्ड्रिया है, आर ऑल्सो एब्सेंट, ये भी मौजूद नहीं होते। ये सारे के सारे जो पार्ट हैं नहीं होते, क्योंकि इनको बांधने के लिए, इनको एक जगह रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है यहाँ पर। दूसरी बात, द रिबोसोम्स आर ऑफ द 70S टाइप। दरअसल क्या होता है कि इसके अंदर जो रिबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। तो अभी हम ये जानेंगे 70S टाइप क्या होता है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो पिछले जो हमने अभी यूज किया था डेफिनेशन वगैरह, हमने कुछ बताई इसके बारे में कि आपके बारे में यूकेरियोटिक सेल के बारे में जब आपको बता रहे थे यूकेरियोटिक सेल में, तो ये कुछ टर्म आए थे उसमें, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म आया था, साइटोप्लाज्म आया था। तब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि आखिर ये प्रोटोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है। तो आप लोगों को बता दें प्रोटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कलरलेस मटेरियल होता है, कंजिस्टिंग ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म। तो दरअसल क्या होता है, इसके अंदर लिविंग पार्ट रहता है सेल का, तो कह सकते हैं, और इसमें शामिल क्या रहता है, साइटोप्लाज्म शामिल रहता है, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, यहाँ तक कि आपका जो न्यूक्लियस है वो भी इसके अंदर शामिल रहता है, और अदर ऑर्गेनेल्स, और भी कई तरह के अंग होते हैं सेल के, वो भी इसमें शामिल रहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करें, प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल। प्रोटोप्लाज्म जो होता है बिल्कुल कलरलेस मटेरियल होता है, कंजिस्टिंग ऑफ द लिविंग पार्ट, जिसके अंदर क्या होता है सेल का लिविंग पार्ट मौजूद होते हैं, ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, यहाँ तक कि साइटोप्लाज्म जिसके भी हम बात करेंगे वो भी इसके अंदर शामिल रहता है, न्यूक्लियस भी होता है एंड अदर ऑर्गेनेल्स, और भी कई तरह के ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सबस्टेंस। साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली जैसा पदार्थ होता है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को घेरे रहता है, विद इन द सेल, सेल के अंदर, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर। तो कह रहा है कि फिर से समझो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सबस्टेंस। साइटोप्लाज्म होता है एक जेली लाइक पदार्थ होता है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को घेरे रहता है, चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेरे रहता है, विद इन द सेल, सेल अंदर के, सेल के अंदर, या हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब हम बात करते हैं राइबोसोम 70 का क्या मतलब है। तो राइबोसोम 70 में दरअसल क्या होता है कि यहाँ दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड द आर्क बैक्टीरिया। तो ये जो होते हैं द स्मॉलर राइबोसोम्स, इनके बहुत छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, टर्म्ड इनको हम कहते हैं 70S राइबोसोम्स कहते हैं, विच आर द कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल 30S यूनिट के बने होते हैं एंड 50, यहाँ लिख देते हैं हम, एंड 50S बिग यूनिट के ये बने होते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दिया है 70S। तो राइबोसोम जो है 70S टेरी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 70S का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि उनमें से एक आर्क बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया, तो जो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें से जो स्मॉल वाले, उन्हें स्मॉल वाले होते हैं वो 30 होते हैं एस में, और जो बड़े वाले होते हैं 50S में होते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं हम 70S। ठीक है, अब आगे की बातें करेंगे। वगैरह हमने कुछ बताई इसके बारे में कि
आपके बारे में, यूकेरियोटिक सेल के बारे में जब आपको बता रहे थे, यूकेरियोटिक सेल में तो ये कुछ टर्म आए थे उसमें, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म आया था, साइटोप्लाज्म आया था। तब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि आखिर ये प्रोटोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है। तो आप लोगों को बता दें प्रोटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कलरलेस मटेरियल होता है, कंजिस्टिंग ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म। तो दरअसल क्या होता है, इसके अंदर लिविंग पार्ट रहता है सेल का, तो कह सकते हैं, और इसमें शामिल क्या रहता है, साइटोप्लाज्म शामिल रहता है, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, यहाँ तक कि आपका जो न्यूक्लियस है वो भी इसके अंदर शामिल रहता है, और अदर ऑर्गेनेल्स, और भी कई तरह के अंग होते हैं सेल के, वो भी इसमें शामिल रहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करें, प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल। प्रोटोप्लाज्म जो होता है बिल्कुल कलरलेस मटेरियल होता है, कंजिस्टिंग ऑफ द लिविंग पार्ट, जिसके अंदर क्या होता है, सेल का लिविंग पार्ट मौजूद होते हैं, ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, यहाँ तक कि साइटोप्लाज्म जिसके भी हम बात करेंगे वो भी इसके अंदर शामिल रहता है, न्यूक्लियस भी होता है, एंड अदर ऑर्गेनेल्स, और भी कई तरह के ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली जैसा पदार्थ होता है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को घेरे रहता है, विद इन द सेल, सेल के अंदर, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर। तो कह रहा है कि फिर से समझो, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म होता है एक जेली लाइक पदार्थ होता है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को घेरे रहता है, चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेरे रहता है, विद इन द सेल, सेल अंदर के, सेल के अंदर, या हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब हम बात करते हैं राइबोसोम 70 का क्या मतलब है। तो राइबोसोम 70 में दरअसल क्या होता है कि यहाँ दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड द आर्क बैक्टीरिया। तो ये जो होते हैं है स्मॉलर राइबोसोम्स, इनके बहुत छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, टर्म्ड इनको हम कहते हैं 70S राइबोसोम्स कहते हैं, विच आर द कंपोज ऑफ द स्मॉल 30S यूनिट के बने होते हैं, एंड 50 यहाँ लिख देते हैं हम, एंड 50S बिग यूनिट के ये बने होते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दिया है 70S। तो राइबोसोम जो है 70S डेली का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 70S का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो कि उनमें से एक आर्क बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया, तो जो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें से जो स्मॉल वाले, उन्हें स्मॉल वाले होते हैं वो 30 होते हैं एस में, और जो बड़े वाले होते हैं 50S होते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं हम 70S। ठीक है,